फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशाज स्पेशल किचन। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और यूनिक मिठाई बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस मिठाई में ना तो हम कोई चाशनी का यूज़ करने वाले हैं, ना हम कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं, ना मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे दोस्तों। और बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई हम सिर्फ कुछ ही मिनटों में बना के रेडी कर लेंगे और बहुत कम इसमें हमारा सामान भी यूज़ होगा दोस्तों। और इसका स्वाद इतना ज़बरदस्त होगा ना कि आपको यकीन होगा कि आपने इतनी जल्दी इतनी लाजवाब मिठाई बना के रेडी कर ली है। इतनी बढ़िया ये मिठाई बन के रेडी होती है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब गुलकंद पेठा। और इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या हम चीज़ें लेंगे जिनसे कि हम ये अपनी मिठाई रेडी करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है ये पेठे की मिठाई। तो ये हमने वज़न में 400 ग्राम पेठे की मिठाई ले ली है। दोस्तों, इस पेठे की मिठाई के बाद हम ले रहे हैं मावा। तो ये होममेड मावा है, हमने इसे घर में ही रेडी करा है। बहुत ही दानेदार बढ़िया ये हमारा खोया बनके रेडी हुआ है। ये हमने वेट में लिया है 200 ग्राम, ये 200 ग्राम हमने ले लिया। और ये हमने एक कप लिया है नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट, ये हमने एक कप ले लिया है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमने लिया गुलकंद, ये हमने आधा कप गुलकंद ले लिया। जितना हमारा यूज़ होगा हम उतना इसमें मिठाई में यूज़ कर लेंगे। दोस्तों, अब सबसे पहले हमने ये ग्रेटर ले लिया है। और ग्रेटर की जो तीन साइडें होती हैं, एक तो बहुत मोटी होती है, एक बहुत बारीक होती है, एक मीडियम साइज़ की होती है। तो दोस्तों, जो मीडियम साइज़ के जो छेद होते हैं ना, हम उससे ही इन पेठों को सबसे पहले ग्रेट कर लेंगे। जितना हमने ये 400 ग्राम पेठा लिया ना, इसको इस तरह से हम कस लेंगे। सारे पेठों को बहुत आराम से ये कस जाता है, इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। दोस्तों, अब जो हमने 400 ग्राम पेठे की मिठाई को लिया था, उसको हमने देखिए ये कस के रेडी कर लिया है। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें डालनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें हम डाल रहे हैं ये डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने लिया है, इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, अब इसमें हमने देखिए ये नारियल का बुरादा डाल दिया। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मावा, जो हमने 200 ग्राम मावा लिया उसको भी इसी में ऐड कर लेते हैं। दोस्तों, इस मिठाई को आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ज़बरदस्त मिठाई बनके रेडी होती है। दोस्तों, मैंने भी जब इसे बनाया तो मैं यकीन नहीं कर पाई कि इतनी ज़्यादा ये टेस्टी मिठाई बनी कि मैं सब मिठाइयों को भूल गई इस मिठाई के आगे। इतनी ज़बरदस्त ये मिठाई बनके हमारी रेडी होती है। दोस्तों, जब हम गुलाब गुलकंद बनाने जा रहे हैं तो हमें गुलाब का फ्लेवर तो ज़रूर चाहिए। तो इसके लिए हमने गुलाब का एसेंस ये 4-5 बूंद डाल दिया है, जिससे कि हमारी मिठाई में गुलाब का पूरा स्वाद आए। और दोस्तों, अब हमें गुलाब गुलकंद बनाना है तो उसका कलर भी हमें गुलाब की तरह ही चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमने 5-6 बूंद गुलाब का कलर डाल दिया है, यानी कि हमने इसमें थोड़ा सा रेड कलर मिक्स कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, तो ये मिक्सचर हमने परफेक्ट रेडी कर लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा मिक्सचर ले लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने मिक्सचर ले लिया है। अब इसको चिकना करते हुए मैं बॉल शेप दूंगी। देखिए दोस्तों, अब इस बॉल को बनाने के बाद अब इस बॉल में हम बीचों बीच जगह करेंगे, जैसे कटोरी की शेप देते हैं ना, कटोरी जैसी हम इसको शेप दे देते हैं। और कटोरी की शेप देने के बाद देखिए, ये जगह हो गई है बीच में। अब इसमें हम डालेंगे गुलकंद। तो इसमें हमें गुलकंद भरना है। तो देखिए, ये इसमें मैं आधा चम्मच इसमें गुलकंद डाल दूंगी। अब दोस्तों, गुलकंद ये हमने देखिए डाल दिया। इसके बाद हम इसे उंगली से दबा के अंदर सेट कर देते हैं और इसका जो मुंह है ऊपर से हम बंद कर देंगे। अब इसका मुंह बंद कर देने के बाद हम इसे राउंड करके फिर से बॉल बनाएंगे और चिकना सा इसका लड्डू रेडी कर देंगे। दोस्तों, जब आप एक बार इस लड्डू को बना के खाएंगे ना, तो मेरी गारंटी है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसका स्वाद जो है ना, बिल्कुल यूनिक होता है। हर मिठाई से हट के इसका स्वाद आएगा। इसमें पेठे का भी आपको स्वाद आएगा, आपको गुलाब जैसा भी स्वाद इसमें महसूस होगा, इसमें आपको नारियल का भी फ्लेवर मिलेगा, मावे का भी। तो ये सब चीज़ें जब मिक्स हो जाती है ना, तो इतना बढ़िया इसका फ्लेवर आता है ना कि आप इसका जो स्वाद है वो बिल्कुल भूल नहीं सकते। आपका बार बार इसको बना के खाने का मन करेगा, इतनी ये टेस्टी मिठाई लगती है।
देखिए दोस्तों कितना प्यारा ये लड्डू हमारा बनके रेडी हुआ है। और दोस्तों इसी तरह से हम सारे मिक्सचर के लड्डू बना के इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। दोस्तों ये मिठाई हम बिल्कुल आगरा के स्टाइल में बना रहे हैं। आगरा में गुलाब गुलकंद पेठा बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत टेस्टी मिठाई होती है। आप जब इसे बनाएंगे ना तो आपको आगरे का ही गुलाब गुलकंद पेठा याद आ जाएगा। लीजिए दोस्तों तो देखिए सारी मिठाइयाँ हमने बना के रेडी कर ली है। अब हमें एक और काम करना है कि हम ले रहे हैं ये नारियल का बुरादा। ये देखिए थोड़ा सा हमने नारियल का बुरादा एक कटोरी में ले लिया है। अब इन जो लड्डुओं को ना हम इसमें कोट कर लेते हैं। तो नारियल के बुरादे जब हम इसकी कोटिंग कर लेंगे ना चारों तरफ, तो इसमें क्या होगा कि एक तो इसकी लुकिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आई है आपको तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना कीजिएगा। दोस्तों चैनल बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब होता है, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे हर आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें।